फरीदाबाद के सूरजकुंड स्थित राजहंस होटल में शुरू हुआ बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, भूपेंद्र सिंह यादव सहित कई बड़े नेता व कार्यकर्ता मौजूद। पोर्नोग्राफिक केस में फंसे राज कुंद्रा का एक्टिंग में डेब्यू, यूटी नंबर 69 नाम से बना रहे हैं फिल्म, इसी नंबर के बैरक में रह चुके हैं। 17 जुलाई को होगी भारत चीन के बीच 16वें दौर की बातचीत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाक पीएम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान को कोर्ट ने आरोपी माना। दिल्ली के अलीपुर में गिरी गोदाम की दीवार, अब तक 6 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख। हामिद अंसारी फिर बोले, मैंने पाक पत्रकार नुसरत मिर्जा को कभी किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया। अमरावती मर्डर केस में एनआईए ने 7 आरोपियों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। पटना में एसडीपीआई कार्यालय में एटीएस की छापेमारी, कल कुछ लोगों को लिया गया था हिरासत में। गुड़गांव का किंगडम ऑफ ड्रीम्स हुआ सील, 100 करोड़ के बकाया से जुड़ा है मामला। 12 साल से फरार ललित मोदी, भारत में बड़ा कारोबार, दादा ने बसाया था मोदी नगर। 2 अक्टूबर से पहले भी शुरू हो सकती है कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा, बैठक में लिया गया अहम फैसला। अग्निपथ पर पाकिस्तान की नजर, बड़ी फिराक में है आईएसआई, नेपाली लड़कों को नापाक साजिश में शामिल करने की तैयारी। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने की बात मानी, एनसीबी ने किया बड़ा खुलासा, रिया को हो सकती है 10 साल की जेल। हरियाणा के रेवाड़ी में कार ट्रॉली की जबरदस्त भिड़ंत में दोनों वाहनों में आग लग गई, कार सवार 5 लोग बुरी तरह झुलसे। जफराबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिलने से फैली सनसनी, सभी के शरीर पर गोली के निशान। श्रीलंका में 7 दिन बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा, सुप्रीम कोर्ट ने महिंद्र राजपक्षे के देश छोड़ने पर रोक लगाई। पाक में लड़कियों की बॉडी को मशीन में ड्रिल किया जाता है, बलूचिस्तान निर्वासित सरकार की पीएम बोली, जीना मुश्किल मौत आसान। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।